आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, हमारा प्रश्न दिया हुआ है, यदि CsCl क्रिस्टल को 760 केल्विन पर गर्म करें तो इसकी संरचना में क्या परिवर्तन होगा। तो पहले समझते हैं CsCl की संरचना कैसे होती है। CsCl जो होता है ना, इसमें दोनों का अनुपात जो होता है ना 8:8 में होता है। और इसका अगर स्ट्रक्चर समझें तो वो स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से दिखता है। तो ये हमारा CsCl का स्ट्रक्चर है। सपोज कर लो कि यहाँ पर ये हमारा, ठीक है, CS है, ओके, ये हमारा क्या है, CS है। सपोज कर लो ये हमारा क्या है, CS है, ठीक है। उससे कितने क्लोरीन है, 1, 2, 3, 4 और नीचे में भी 4, 5, 6, 7, 8, तो टोटल 8 जुड़े हुए हैं। और मान लो ये क्लोरीन है हमारे पास, ये क्लोरीन है, ठीक है। ये 1, 2, 3, 4 ऊपर से 5, ठीक है, और यानी कि ये ऊपर से 4 और नीचे से भी 4, 8 से जुड़े होते हैं। कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्या होता है, लेयर वाइज रहता है, ठीक है। तो ये लेयर वाइज होता है। तो ये हमारा सपोज कर लो कि ये हो गया हमारा लेयर वाइज, ठीक है। उसके नीचे जो होता है ना, उसके नीचे वाला पार्ट, ये क्लोरीन वाला पार्ट, ये मान लो बेरियम का एक सीरीज में चल रहा है, ए में और बी में जो चल रहा है, दोनों के बीच में जो रिक्तिका होंगी उसके बीच में यहाँ पर क्या रहता है, क्लोरीन। और फिर क्या है, लेयर, इस लेयर के ऊपर फिर दूसरा लेयर बना रहेगा। तो यहाँ जो बीच, ये जो बीच में रखा हुआ है वो 4 से नीचे से जुड़ा हुआ रहेगा और 4 से ऊपर से जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से 8 कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ CS का। और क्लोरीन के साथ भी कुछ इसी प्रकार से होता है। क्लोरीन के साथ भी इसी प्रकार से इसलिए होता है क्योंकि उसमें भी, क्योंकि लेयर वाइज रहता है, पहले एक लेयर होता है किसका, जैसे CS का एक लेयर हो गया, फिर दूसरा लेयर हो गया क्लोरीन का, फिर तीसरा लेयर हो गया CS का। तो क्लोरीन के एक आइटम के बारे में बात करें तो क्लोरीन के नीचे 4 CS रहेंगे चार तरफ और ऊपर पे भी 4 CS रहेंगे, तो क्लोरीन के भी 8 कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं। लेकिन जब इसको 760 डिग्री पे गर्म किया जाता है, माफ कीजिएगा, 760 केल्विन पे, तो क्या होगा कि इसका जो उपसंयोजन संख्या है बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि एक रूल होता है जिसके तहत बोलते हैं ये जो ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्या, कोऑर्डिनेशन संख्या, उपसंयोजन संख्या, सहसंयोजन संख्या, मतलब कि जितना भी ताप बढ़ेगा उपसंयोजन संख्या क्या होगा, घटेगा। तो ताप इसका जब बढ़ जाता है 730 केल्विन पर चला जाता है तो इसका जो कोऑर्डिनेशन संख्या 8:8 में रहता है वो बदलकर 6:6 में चला जाता है, जो कि NaCl के स्ट्रक्चर के समान होता है, ठीक है। तो ये NaCl के स्ट्रक्चर में बदल जाता है। तो बोल ये लिख सकते हैं, यदि CsCl को क्रिस्टल को लिखते हैं, क्रिस्टल को 760 केल्विन पर गर्म करें तो इसकी संरचना, NaCl के जैसी हो जाएगी, जहां पे दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 6:6 कोऑर्डिनेशन नंबर वहां पे 6:6 हो जाएगी, जबकि CsCl में कोऑर्डिनेशन नंबर 8:8 की होती है, ठीक है। तो वहां जो तत्व रहेंगे वो कुछ इस प्रकार से रहेंगे। सपोज कर लो ये कि CS हो जाएगा, फिर इसके नीचे Cl, फिर इस तरफ में भी Cl, इस तरफ में भी Cl और इस तरफ में भी Cl, ये मतलब कि आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे इस तरह से 6 रहेंगे, ठीक है। ये हमारा समझ में आ रहा है, आगे पीछे दाएं बाएं, तो इस तरह से हमारा कोऑर्डिनेशन ये बदल जाएगा। CsCl का जो संरचना है इस प्रकार से बदल जाएगा, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 8 से 6 हो जाएगा। आशा है कि आपको समझ में आएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE, वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।